यूपी के कानपुर में करौली सरकार नाम के बाबा पर एफआईआर दर्ज। चमत्कार में विफल होने पर भड़के बाबा, सेवादारों ने नोएडा से आए डॉक्टर की तोड़ी नाक। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को बताया पागल, कहा जादू दिखाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा बीजेपी कर रही है काम हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का, क्या बागेश्वर बाबा को हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए बुलाया गया, बीजेपी ने दी खालिस्तानियों को ताकत। अयोध्या में आज से श्री राम जन्मोत्सव का आयोजन, 30 मार्च तक चलेगा उत्सव। रामनवमी पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मना रहा उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलों का होगा आयोजन। अयोध्या में रामनवमी के दिन रामलला को जन्मोत्सव पर पीले रंग के कपड़े पहनाए जाएंगे, अस्थायी मंदिर में रामलला का ये अंतिम जन्मोत्सव होगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर बोली बीजेपी नेता उमा भारती, अगर भारत हिंदू राष्ट्र ना होता तो ना अखिलेश यादव बचते और ना ममता बनर्जी बचती, ये सब नमाज पढ़ रहे होते। दिल्ली का बजट आज नहीं होगा पेश, आम आदमी पार्टी का दावा, केंद्र सरकार से नहीं मिली मंजूरी, कई मुद्दों पर केंद्र सहमत नहीं, इतिहास में ऐसा पहली बार, दिल्ली के बजट पर रोक। आप नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप, कहा विपक्ष को परेशान कर रही है सरकार, अभी तक केंद्र सरकार ने बजट अप्रूव नहीं किया है, कल शाम को दिल्ली के बजट पर रोक लगाई। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर पलटवार, कहा अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है केजरीवाल सरकार, बजट को लेकर उठाए गए सवालों का क्यों नहीं दे रही है जवाब। अमृतपाल की तलाश में जुटी पुलिस ने अब तक 116 लोगों को हिरासत में लिया, 10 हथियार और कई बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किए हैं, पुलिस को आईएसआई का सीधा हाथ होने का शक है। पुलिस से भाग रहे वारिस पंजाब देखे मुखिया अमृतपाल की तलाश तेज, इस बीच अमृतपाल के पिता तारसेम का कहना है कि पुलिस किसी भी वक्त कर सकती है अमृतपाल का एनकाउंटर। अमृतपाल सिंह के चार साथियों की अमृतसर के बाबा बकाला कोर्ट में पेशी, सहयोगी भूपिंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, सुखमनजीत सिंह और हरप्रीत सिंह पहुंचे 23 मार्च तक पुलिस हिरासत में। चंडीगढ़ पुलिस का दावा अमृतपाल के दो और साथी गिरफ्तार, पंजाब पुलिस करेगी गुरु औजला और कुलवंत रावके के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई, दोनों को भेजा जाएगा डिब्रूगढ़ जेल। कश्मीर पुलिस के मुखिया दिलबाग सिंह ने पूरे मामले में पंजाब पुलिस की हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है, अमृतपाल के कुछ हथियारों का हो सकता है कश्मीर से सीधा कनेक्शन। सिख कट्टरपंथी अमृतपाल पर कसा जा रहा है पुलिस का शिकंजा, हरियाणा में किए गए अमृतपाल के कई समर्थक गिरफ्तार, पुलिस की गिरफ्तारी की पुष्टि। जालंधर के शाहकोट में रैपिड एक्शन फोर्स ने किया फ्लैग मार्च, लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा करने की कोशिश में आरएएफ की टीम और सीआरपीएफ की एक कंपनी तैनात। श्रोमणी अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब की स्थिति के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को ठहराया जिम्मेदार, कहा इन सरकारों ने अमृतपाल सिंह को हंगामा करने दिया। ब्रिटेन में हाई कमीशन में भारतीय तिरंगा हटाने और झंडे के अपमान पर बोले पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल, इसी तिरंगे के लिए भगत सिंह और उधम सिंह ने प्राणों की आहुति दी थी। दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के सामने सिखों के प्रदर्शन पर बोले हरीश खुराना, सिखों ने साबित किया कि भारत हमारा स्वाभिमान और तिरंगा हमारी शान। लंदन के बाद अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भी भारतीय कॉन्सुलेट पर भी खालिस्तानियों ने की है तोड़फोड़, विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के दूतावास प्रमुख को बुलाकर आपत्ति दर्ज कराई। संसद में नहीं थम रहा है संग्राम, सत्र के दूसरे हफ्ते भी दोनों सदनों में हुआ जबरदस्त हंगामा जारी, राहुल से माफी और जेपीसी की मांग को लेकर आज भी हंगामे के आसार। अडानी मुद्दे को लेकर जेपीसी गठन की मांग पर अड़ा हुआ है विपक्ष, मोदी सरकार को घेरने की रणनीति को लेकर सुबह 10 बजे विपक्ष की बैठक होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे के चैंबर में होगा मंथन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा विपक्षी सदस्य अपनी सीट पर बैठे भी नहीं थे कि तब से ही भाजपा सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी, मोदी सरकार संसद नहीं चलने देना चाहती। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, विपक्ष की तरफ से कोई हंगामा नहीं हो रहा, सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हंगामे, लोकतंत्र को अपने हिसाब से लोग चलाना चाहते हैं। बीएसपी सांसद का श्याम सिंह यादव ने कहा विपक्ष के सभी सांसद शांत बैठे थे, सत्ता पक्ष के लोग कर रहे थे हंगामा, राहुल को पॉपुलर करने के लिए बीजेपी रच रही है साजिश। उमेश पाल हत्याकांड में एक्शन में बुलडोजर, आज शूटर गुड्डू मुस्लिम के घर को गिराए जाने की है तैयारी, दोपहर 12 बजे से शुरू होगी कार्रवाई, पुलिस को गुड्डू मुस्लिम के नए घर की है तलाश। उमेश पाल हत्याकांड में फरार अतीक अहमद की पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज, हत्याकांड के बाद से ही फरार, शाइस्ता परवीन के वकील दलील पेश करेंगे। बीजेपी सांसद अनाथ सिंह यादव ने कहा अपराधी फरार है, उन्हें पाताल से भी ढूंढ के लाया जाएगा, आरोपियों के खिलाफ प्रयागराज में बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल सही। अतीक के भाई अशरफ ने कोर्ट से सुरक्षा की लगाई गुहार, सीजीएम कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा जेल से बाहर निकाले जाने पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे, 25 मार्च को होगी सुनवाई।
मुंबई में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के 128 केस हुए दर्ज। मार्च में अब तक मिले 12 मरीज, 14 लोग अस्पताल में भर्ती। 9 स्वाइन फ्लू के केसेस भी मिले हैं। बीएमसी के 17 अस्पतालों में वेंटिलेटर की सुविधा। श्रद्धा के पिता ने आफताब के लिए फिर से की फांसी की मांग। सुनवाई के दौरान पिता विजय वालकर ने कहा, हत्या के एक साल अभी तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया, मेरी बेटी को जल्द न्याय मिलना चाहिए। राजनीतिक दलों के चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में बॉन्ड से भ्रष्टाचार की आशंका। शराब घोटाले में गिरफ्तार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। 26 फरवरी को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। पीएम मोदी और उनके पिता पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल तक बढ़ाई है जमानत। सभी केस लखनऊ के हजरतगंज थाने में ट्रांसफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के सभी सांसदों की बैठक आज। नड्डा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव पर होगी चर्चा। लोकसभा चुनाव के लिए क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने में जुटी ममता बनर्जी। आज जाएंगे ओडिशा, करेंगी सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात। कल जगन्नाथ मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल विधानसभा बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, सीएम ममता बनर्जी को पहले नोटा को हराना चाहिए, उसके बाद प्रधानमंत्री बनने का सपना देखें। कर्नाटक के बेलगावी में फिसली राहुल गांधी की जुबान। 200 यूनिट की बजाय 2000 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा कर दिया। कांग्रेस 200 यूनिट मुफ्त बिजली का कर चुकी है वादा। एआईएमआईएम नेता शौकत अली का योगी पर विवादित बयान। मंदिर में घंटा बजाने वाला आदमी यूपी का मुख्यमंत्री, वो जो बोल देता है वो कानून बन जाता है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर हमला। कहा, अखिलेश यादव का जनाधार बचा नहीं है और इसलिए अब वह बंगाल की खाड़ी की ओर रुख कर रहे हैं। 2024 में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। बिहार विधानसभा में बोले तेजस्वी, नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़े हैं। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है और ना इनको प्रधानमंत्री बनना है, हम जहां हैं खुश हैं। एमएसपी और कृषि सुधार के लिए बनाई गई समिति की छठी बैठक आज। बैठक में एमएसपी पर होगी चर्चा। मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर आंदोलन की दी है धमकी। सुबह 10:30 बजे होगी बैठक। केंद्रीय कृषि मंत्री से मिले संयुक्त किसान मोर्चा के नेता। 14 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे। कहा, कई अनसुलझे मुद्दे, नहीं मानी गई मांगे तो फिर करेंगे आंदोलन। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब के पुलिस अधिकारियों पर एक्शन। तत्कालीन डीजीपी, डीआईजी और एसएसपी पर कार्रवाई के आदेश। 5 जनवरी 2022 की घटना। मेहुल चौकसी को बड़ी राहत। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस से हटाया नाम। अब दुनिया में कहीं भी आ जा सकेगा। पीएनबी घोटाले में है आरोपी। नाम हटाए जाने पर गरमाई सियासत। हिंदुत्व पर विवादित टिप्पणी को लेकर सड़क पर उतरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य। एनसीपी नेता जितेंद्र आभाड़ के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई लोग हिरासत में भी लिए गए। दिल्ली एनसीआर में सोमवार की शाम हुई तेज बारिश। बेमौसम बरसात के साथ चली ठंडी हवाएं। दिल्ली के तापमान में आई गिरावट। यूपी के सहारनपुर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर बहने लगा पानी। नगर निगम के सफाई के दावों की खुली पोल। नाले जाम होने से सड़कों पर आया पानी। यूपी के झांसी में जमकर गिरे ओले, फसलों को भारी नुकसान। खेतों में भरे दिखे ओले। शहर और बबीना इलाके में फसलें खराब होने से बड़े नुकसान का अनुमान। यूपी के बिजनौर में बेमौसम बारिश होने से गेहूं की फसल चौपट होने की कगार पर। परेशान किसानों ने सरकार से लगाई मुआवजे की गुहार। यूपी के बुलंदशहर में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश होने से गेहूं, सरसों और आलू की फसल को हुआ नुकसान। यूपी के 6 से ज्यादा जिलों में बारिश से फसल खराब। गेहूं और दलहन की फसल को ज्यादा नुकसान। यूपी के अम्बेडकर नगर में बारिश के साथ चली तेज हवाएं। किसानों ने जताई सरसों, मटर और आलू की फसलों को नुकसान की आशंका। कृषि विभाग नुकसान के सर्वे में जुटा। यूपी के हाथरस में बारिश और ओले गिरने से खेतों में गिरी गेहूं की खड़ी फसल। आलू की फसल को भी भारी नुकसान। किसानों के मुताबिक गेहूं सरसों के करीब 25 से 50% फसल बर्बाद। यूपी के मुजफ्फरनगर में बारिश और ओले गिरने से किसान दुखी। फसलें बर्बाद होने पर किसान संगठन ने सरकार से की मुआवजे की मांग। गेहूं और सरसों की तैयार फसल हुई चौपट। यूपी के मथुरा में बदला मौसम का मिजाज। लगातार बारिश से बड़ी ठंड। खेतों में भरा पानी, खड़ी फसलों को भारी नुकसान। किसानों की बड़ी चिंता। शिमला में बारिश। लाहौल स्पीति, किन्नौर और धौलाधार की पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी। नारकंडा और कुफरी में भी पड़ी बर्फ। सड़कों पर बढ़ी फिसलन। तो वहीं लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। ओडिशा के भुवनेश्वर में मूसलाधार बारिश। आम जनजीवन पर पड़ा असर। नयापल्ली में सड़कों पर दिखा बारिश का पानी। कई इलाकों में जल जमा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।